नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह से न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए अपने एंट्रेंस एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से। और देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरह से बुजुर्ग सुबह बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं, तो उस तरह से तो आपको नहीं पढ़ना है। और क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि देखिए, उनके पास टाइम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, लेकिन आपको अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है और एंट्रेंस एग्जाम जो आप देने वाले हैं उसका एक छोटा सा पार्ट है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आपको उस पार्ट को पार्ट की तरह ही पढ़ना है, उसको पूरा दिन आपको नहीं देना है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको फिर अपनी प्रिपरेशन भी करनी होती है जीके वर्बल एलआर क्वांट्स की। तो आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड होता है। जो आपके घर में बुजुर्ग होते हैं उनके पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपके कंपैरिजन में। तो देखिए, आज हम सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे न्यूज़पेपर से रिलेटेड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपके मन में मतलब तीन सवाल तो आने चाहिए। सबसे पहला कि आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, दूसरा सवाल कि कौन सा पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, तीसरा सवाल किस तरह से पढ़ना है। अगर आप ये तीनों के तीनों सवाल अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लेते हैं तो आप अच्छे से न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम सारे सवालों के आपके जवाब देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है। तो देखिए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर वर्बल भी आता है, यानी कि वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो सारे के सारे सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ती है। दूसरा, आपको जब भी किसी एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, तो उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज के लिए आपके पास होना चाहिए न्यूज़पेपर। तो आई होप आप समझ गए हैं कि क्या रीजन होते हैं न्यूज़पेपर रीड करने के। इसके साथ साथ देखिए, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती हैं, रीडिंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर रीड करने से आपकी इंप्रूव होती है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया है फर्स्ट पॉइंट कि आपको क्यों न्यूज़पेपर रीड करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर आपके लिए सही होगा। तो देखिए, हर इंसान के हिसाब से उसका जो परफेक्ट न्यूज़पेपर है वो अलग है। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए, अगर आप मॉडरेट वोकेबलरी पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आपको स्टैंडर्ड की वोकेबलरी देखनी है तो फिर आप ले सकते हैं द हिंदू, ले सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस, ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आप ले सकते हैं मिंट न्यूज़पेपर। तो इसी तरह से हर इंसान का जो न्यूज़पेपर है वो परफेक्ट न्यूज़पेपर अलग है। मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, तुम्हारे लिए ये बेस्ट है। मैं बस ये बता सकता हूं कि अगर आप शुरू कर रहे हो न्यूज़पेपर रीड करना तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत कर सकते हैं, बाद में आप द हिंदू तक जा सकते हैं। सो देखिए, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, पहली ये कि क्यों पढ़ना है, दूसरी ये कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब आती है मेन चीज जो है कि कैसे पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर। तो देखिए, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, उसके अंदर सबसे पहले होता है आपका इशू बेस्ड न्यूज़, मतलब जो भी आपकी कोविड की न्यूज़ हो गई, जैसे LGBTQ की कोई न्यूज़ हो गई, तो ये जितनी भी न्यूज़ होती है ये होती है इशू बेस्ड न्यूज़। इसके अलावा कुछ होती है इन्फॉर्मेटिव बेस्ड न्यूज़, कुछ होती है स्टोरीज बेस्ड न्यूज़ जिसके अंदर कुछ स्टोरीज कवर की जाती हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं न्यूज़ के। अब मान लीजिए, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो तो उसके अंदर जो इंसिडेंट्स की जो न्यूज़ होती है, जैसे कि आज किसी की सड़क हादसे के अंदर दुर्घटना हो गई, तो वो जो न्यूज़ होती है वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इग्नोर कर देनी चाहिए। वो जो न्यूज़ होंगी वो आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएंगी। आपके एग्जाम के अंदर जो न्यूज़ आने के चांसेस होते हैं वो होते हैं आपके इशू बेस्ड न्यूज़ के, क्योंकि जब आप पर्सनल इंटरव्यू दे रहे होंगे, ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे, तो उसके अंदर इश्यूज पर बात की जाएगी। तो इशू बेस्ड न्यूज़ जो होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बिजनेस की, टेक्नोलॉजी की, स्पोर्ट्स की, जो उनके इवेंट्स होते हैं, जो कुछ डेट्स होती हैं, जो मेडल होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में आप अवेयर होने चाहिए, करंट अफेयर्स आपके अच्छे होने चाहिए। और देखिए, जब आप स्टार्टिंग में न्यूज रीडिंग करना शुरू करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग, तो आपको लगेगा कि यार मुझे तो 3 घंटे लग रहे हैं, मुझे तो 4 घंटे लग रहे हैं, और फिर आपको ये फील होगा कि यार इतना ज्यादा टाइम तो मैं नहीं दे सकता हूं। क्योंकि देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक A to Z पढ़ेंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आप 15 दिन 20 दिन आप कंटिन्यू पढ़ोगे, तो उसके बाद जो आपका टाइम होगा वो कम हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी तरह की न्यूज़ पढ़नी है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से सही है।
तो देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का न्यूज़पेपर दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हम एक एक न्यूज़ को देखेंगे कि किस तरह की न्यूज़ है और आपको किस तरह से पढ़ना है, कौन सी इशू बेस्ड न्यूज़ है, कौन सी इंसिडेंट बेस्ड है, कौन सी स्टोरी बेस्ड है, तो सारी की सारी जो न्यूज़ होंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। आप एक काम कीजिए, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है उसको आप एक तरफ रखिए और न्यूज़पेपर को दूसरी तरफ रखिए। आपके जितना भी सिलेबस है एक बार आप उसको अच्छे से रीड कीजिए और न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर का सेक्शन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन दोनों को मिलाकर आप ये सोचो कि मुझे आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए आपको जैसा कि यहां पर दिख रहा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का न्यूज़पेपर है, तो यहां पर देखो सबसे पहले जो न्यूज़ है जो फ्रंट पेज होता है लगभग लगभग 5 या 6 स्टोरीज ही कवर करता है, 5 या 6 न्यूज़ ही कवर करता है बेसिकली। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड कोविड वेव की जो न्यूज़ है वो आई हुई है, तो ये एक इशू बेस्ड न्यूज़ है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए इशू बेस्ड न्यूज़ का। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गिवन 24 आवर्स, तो ये जो न्यूज़ है ये एक स्टोरी की न्यूज़ है, एक स्टोरी बेस्ड न्यूज़ है जिसके अंदर एक इंसान की स्टोरी कवर की है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है इन फर्स्ट वीक 22.5 लाख केसेस, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है ये इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ है, ये इशू बेस्ड न्यूज़ है और ये फैक्ट्स बेस्ड न्यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सी न्यूज़ किस किस तरह की होती है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ है कि एक सड़क दुर्घटना के अंदर किसी की मौत हो गई है, तो वो न्यूज़ आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। और देखिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक बुजुर्ग जो सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हो सकती है कि उसके शहर में आज क्या हुआ। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आपका लोकल न्यूज़पेपर होता है या फिर लोकल सेक्शन जो होता है न्यूज़ का, वो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बजाय इसके कि वो एक बुजुर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जानना है कि आपके शहर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बिजनेस न्यूज़, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ब्रांड्स के बारे में जानना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा किसी ब्रांड की केस स्टडी के बारे में जानना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा स्पोर्ट्स की न्यूज़, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कुछ इवेंट, आपके लिए होंगे कितने मेडल्स इंडिया के लिए आए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी इशू बेस्ड न्यूज। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हर इंसान के हिसाब से उसकी जो परफेक्ट न्यूज है वो अलग होती है, वो एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से अलग होती है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस किस तरह की यहां पर न्यूज है। अगर मैं नेक्स्ट पेज की बात करूं तो देखो यहां पर लिखा है दिल्ली टू स्टे लॉकडाउन, ये जो न्यूज है ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड न्यूज है। इसके बाद है 8 डाई इन हॉस्पिटल, तो यहां पर आप देख सकते हैं इंसिडेंट बेस्ड न्यूज है, तो ये न्यूज आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो इश्यू बेस्ड न्यूज है उसको आप कम से कम इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद देखिए एक न्यूज़पेपर के अंदर आपका एडिटोरियल भी होता है। एडिटोरियल का मतलब है कि कोई भी एक्सपर्ट अपने रिव्यूज देता है, किसी टॉपिक के ऊपर अपनी ओपिनियन देता है, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए, उससे भी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी, किसी का ओपिनियन आपको जानने को मिलेगा, तो वो भी आपको रीड करना चाहिए। सो आई होप आप समझ गए हैं कि अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरह की न्यूज़ पर आपको फोकस करना है, और ऐसा नहीं है कि आप A to Z सारा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करो सुबह से शाम हो जाए, आपको ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। अब देखिए अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी के अंदर जो आपका इंटरव्यू होता है या फिर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इशू बेस्ड बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप एक बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, ब्रांड्स की केस स्टडीज से रिलेटेड। तो बिजनेस का जो सेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, काफी सारी चीजें जो है आपको न्यूज़पेपर के बारे में वो जानने को मिली होंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके एंट्रेंस के हिसाब से कौन सा न्यूज़पेपर आपके लिए बेस्ट होगा।
इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा हमारे कोर्सेज के बारे में जो मैं अक्सर देता हूं। सो अगर आप एक बीबीए बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं। मैं आपको पूरी हमारे जो कोर्स की डिटेल्स हैं वो दिखा देता हूं, आप एक बार उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे क्रैश कोर्स से रिलेटेड। सो अगर आप एक बीबीए बीएमएस और आईपीएम एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईएम इंदौर के अंदर, आईआईएम रोहतक के अंदर, आईआईएम रांची के अंदर आईपीएम कोर्स के अंदर, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डीयूजेट के शहीद सुखदेव में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, सो इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर आपको 150 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर जीके है, वर्बल है, एलआरडीआई है एंड क्वांट्स है। इसके साथ साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वो भी 150 प्लस। आप सोच कर देखिए कि अगर आप 150 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जिस तरह से आईआईएम रांची का आईपीएम का एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब आईआईएम इंदौर का जो एंट्रेंस एग्जाम है इपमेट इंदौर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आपको मॉक टेस्ट देना होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ डाउट सॉल्विंग फैकल्टी की, तो देखिए आपको एक डाउट सॉल्विंग पोर्टल भी मिलेगा, अगर आपका कोई भी डाउट तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं, हमारी फैकल्टी वहां पर 24/7 एक्टिव रहती है। सो इस तरह का हमारा पूरा क्रैश कोर्स है और ये जो मैकेनिज्म है ये सारा का सारा हमारी एंड्रॉइड ऐप स्टडी बज में चलेगा और आप इसे अपने लैपटॉप के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फैकल्टी की कि फैकल्टी कैसी है, तो 75% जो कोर्स है वो सौरभ कोठारी सर आपको पढ़ाएंगे, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, डीयूजेट टॉपर हैं, प्लस 7 टाइम्स आईआईएम कॉल होल्डर हैं। सो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको क्रैश कोर्स की सारी डिटेल सेंड कर देंगे, प्लस आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे, और उसके बाद अगर आपको डेमो वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं।